विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी में देवघर जिला प्रशासन जुट गया है। झारखंड प्रवेश द्वार से लेकर खिजूरिया तक कांवरिया पथ की सड़कों पर मरम्मत और चौड़ीकरण किया जा रहा है। वहीं बता दें कि श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ने। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 14 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद यानी 2 साल के बाद श्रावणी मेला लगने जा रहा है बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और अभी हम झारखंड का प्रवेश द्वार, दुम्मा कहे जाने वाले प्रवेश द्वार के पास खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे, ये बॉर्डर है बिहार झारखंड का बॉर्डर, यहाँ से हमारा झारखंड का प्रवेश द्वार है और यहाँ से जितने भी कांवरिया आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, इसी प्रवेश द्वार के रास्ते बाबा वैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं। और हम दिखाना चाहेंगे कि सड़क जो है चौड़ीकरण किया जा रहा है और जल्द ही इस पर बालू बिछाया जाएगा ताकि जितने भी कांवरिया आएँ उनको सुगमतापूर्वक चलने में कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो और किसी तरह का आवाजाही में दिक्कत नहीं हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि बाबा मंदिर की दूरी यहाँ दुम्मा परिपथ से 10 किलोमीटर है और शिवगंगा का 10 किलोमीटर है, कलकतिया धर्मशाला का 3 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर बासुकीनाथ धाम, और बगल में कांवरिया धर्मशाला है, शिव भक्त मंडल का धर्मशाला है जहाँ पे यात्री ठहरते हैं। और आप देख सकते हैं कि चूँकि सालों भर बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में पूजा के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं लगातार बाबा वैद्यनाथ की नगरी पूजा करने के लिए। इनसे बात करते हैं कि जी हम कहाँ से आप लोग आए हैं और किस तरह से आए हैं। हम हैं बांका जिला का आदमी, शंभूगंज थाना जिला बांका, लेकिन सुल्तानगंज से हम लोग आते हैं कांवर उठाकर, प्रत्येक महीना आते हैं 20 साल से, हर महीना जलते हैं। तो 2 साल के बाद यहाँ पे अब श्रावणी मेला भी लग रहा है, तो क्या लग रहा है काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे? हाँ, उसमें ये तो 2 साल लॉकडाउन बंद स्थिति था ना सावन में, तो हम लोग तो पर भी छुप छाप करके किसी तरह से सावन में पहुँच जाते थे जैसे दूसरे रास्ते से। इस बार तो बिहार में पूरा तैयारी है सब जगह दुकान वकान का, अब यहाँ की झारखंड का क्या होगा, मेला तो लगना चाहिए। चलिए, तो मेले की तैयारी पूरी तरह से हो रहा है, यहाँ पे एक स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे तैयारी की जा रही है। प्रशासन के द्वारा तो बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, क्योंकि 2 साल से क्योंकि ये पूरा बंद था, श्रावणी मेला हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है मार्ग, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी श्रावणी मेला पर ही निर्भर है। तो उनके मन में खुशी भी है, वो लोग अपने निजी तौर पर भी तैयारी कर रहे हैं। अब प्रशासन का तो खैर बहुत बृहद तैयारी है, सड़क की चौड़ीकरण हो रही है, बालू डालने का काम शुरू हो गया, जगह जगह जहाँ ने बचा हुआ है वो भी हो रहा है। प्रसाद योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा होल्डिंग पॉइंट बनाया गया, बहुत आधुनिक है, ठहरने की जगह है, फूड कोर्ट वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। प्लस और भी तैयारी है, IT से रिलेटेड है, कमांड एंड कंट्रोल रूम बन रहा है, उसकी व्यवस्थाएँ चल रही हैं, बहुत नया नया तकनीक का भी प्रयोग होगा इस बार। तो हमको उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छा श्रावणी मेला का अनुभव लेकर कांवरिया लोग जाएंगे। यहाँ का अर्थव्यवस्था पर जो मार पड़ा है वो भी काफ़ी हद तक उसका मेकअप होगा। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी स्थानीय लोगों को भी काफ़ी खुशी है, चूँकि 2 सालों के अंतराल के बाद बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेला लगने जा रहा है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 साल से जो आर्थिक दंश झेल रहे थे स्थानीय दुकानदार, उनको भी काफ़ी खुशी मिलेगी, चूँकि यहाँ पे श्रावणी मेला 2 साल के अंतराल के बाद लग रहा है। और वहीं जितने भी स्थानीय लोग हैं सभी अपनी अपनी दुकानें भी बना रहे हैं, और वहीं जितने भी सेवा भाव से जो भी पंडाल है वो भी बनना शुरू हो गया है, और जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा बालू का बिछाव भी शुरू हो जाएगा और जितनी भी चलंत शौचालय है या अस्थाई शौचालय है, नल है, चापाकल है, सभी की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा चुकी है और मुझे लगता है 14 जुलाई से पूर्व सारी तैयारी कम्प्लीट कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन विजय देव के साथ रंजीत कुमार, देवघर।